नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। दिनांक 30/12/2021 को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की 53वें स्थापना दिवस केंद्रीय सरना समिति और परिषद के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचेरी परिसर रांची में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वर्गीय कार्तिक उराव और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि देकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उराव, दिनेश उराव, राजू लकड़ा कर्मा उराव, निर्मल पहान आदि लोग मौजूद रहे। स्थानीय कलाकार जीवन जोशी, शिव नायक, बसंती देवी, रिंकी कुमारी, ललिता देवी ने स्वागत गीत गाया। उसके बाद गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ो नाही, माए माटी हम छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नाही आदि गीत गाकर समा बांधा। मौके पर शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उराव ने कहा कि स्वर्गीय कार्तिक उराव के अधूरे सपने को पूरा करना हम सब का दायित्व तो है। जिस तरह से पूरे देश में स्वर्गीय कार्तिक उराव एकजुट करने की पहल की थी, उसी तरह से समाज को भी एकजुट होने की आवश्यकता है। पूरे आदिवासी समाज कार्तिक उराव का ऋणी है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि स्वर्गीय कार्तिक उराव आदिवासी समाज के शोषण अत्याचार से पीड़ित आदिवासियों की दुर्दशा को देखकर काफी व्यथित थे। उन्होंने समाज के लिए इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर समाज सेवा में जुट गए। उन्होंने HEC में चीफ डेप्यूटी इंजीनियर के पद में रहते हुए HEC का डिजाइन किया। काके में बिरसा एग्रीकल्चर, ग्लासगो में सबसे बड़ा ऑटोनॉमी पावर प्लांट, हिंडालको में भी अपना योगदान दिया। आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने 30 दिसंबर 1968 को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया, जिसका मुख्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि केंद्रीय सरना समिति का गठन बाबा कार्तिक उराव के द्वारा 12 मार्च 1970 को किया गया था, जो कि पूरे देश में धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में कार्य कर रही है। केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। बाबा कार्तिक उराव सांसद में अलग धर्म कोड की आवाज़ भी उठाई थी। उन्होंने 348 सांसदों की सहमति भी प्राप्त की थी, परंतु तत्कालीन सरकार ने संसद को ही भंग कर दिया और अलग धर्म कोड की मांग अधर में लटक गई थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।